हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम किरणदीप कौर है और जी चंडी गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही ये है कि 6 महीने हो चुके थे कि इनके गर्दन के बैक में गिल्टियाँ की प्रॉब्लम थी, बहुत छोटी छोटी गिल्टियाँ थी जिससे जो परेशान थे, पर जो प्रभु के ऊपर बिलीव करते थे, काफ़ी समय से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, और जैसे जैसे संगति में आते थे और विश्वास करते थे, और जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और इनके लिए घोषणा हुई कि जो भी गिल्टी की प्रॉब्लम है चेस्ट और गले के पास है, आज वो रिसीव करें, परमेश्वर उन्हें हील करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। गिल्टियां मुझे परमेश्वर आपकी चेस्ट पे, आपके गले के पास पास, ये गले का जो चेस्ट का जितना ऊपर वाला हिस्सा है मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। मैंने कहा है कि ये गले के, ये चेस्ट के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे आपके गिल्टियां हैं, मुझे परमेश्वर दिखा रहा, और आपकी वो उखड़ रही है, गायब हो रही है। आप रिसीव करो, आंखों को बंद रखो, ग्रहण करो और आमीन करो, धन्यवाद करो। आप गवाही से आने वाले हो, रिसीव करो, रिसीव करो। मैंने कहा रिसीव करो, आप गवाही से आने। तो जैसे ही जिस सिस्टर ने रिसीव किया, तो आज बताते हैं कि जो इनके गले के गर्दन के पीछे बहुत छोटी छोटी गिल्टियां थी, आज परमेश्वर ने उससे बिल्कुल टोटली फ्री कर चुके। सुनो सुनो सुनो, देखो जब परमेश्वर का आत्मा बोलता तो वो सब लोगों के लिए बोलता है, एक के लिए नहीं। क्या है वो? एक के लिए नहीं, सबके लिए बोलता है। जैसे यीशु मसीह ने 10 कोड़ी उसके पास आए तो उसने कहा जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ, और एक वापस आया, एक ने प्रणाम किया। यीशु ने पूछा क्या 10ों अच्छे नहीं हुए? और भी लोग थे, क्या थे? और भी इस प्रॉब्लम के, ये जो प्रॉब्लम इनकी, इनको थी गिल्टियों की, इनके गर्दन के पीछे बहुत सी छोटी छोटी गिल्टियां थी, इन्होंने मन से उस वचन को रिसीव किया, उस शब्द को रिसीव किया, मन से ग्रहण किया। क्या किया? क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस शब्दों को किस मन से ग्रहण कर रहे हो। ऐसे नहीं खड़े रहो, समझ आ रही है? तो इन्होंने मन से ग्रहण किया। क्या किया? मन से, क्योंकि वो बात किसकी ओर से आई थी, और बाइबल में लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशील होता है, वो कार्य करता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर अपना वचन जिस काम के लिए भेजते हैं वह ठहर कर, परमेश्वर ने कहा वो मेरे पास ना जाएगा। जैसे बारिश जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आती है वो व्यर्थ ठहर कर, परमेश्वर का वो ऐसे वापस नहीं जाती, इसी तरह से मेरा वचन होगा। क्या है? पर जिसने उसको मन से लिया, परमेश्वर ने उसे डिलीवर किया, आजाद किया। क्या किया? डिलीवर किया और आजाद किया, और ये आजाद है आज पूरी तरह से। किसके नाम से और किस फेथ से, किस शांस से? अगर आज का आज आपके अंदर वो फेथ, वो शांस है, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। मैंने कहा आज आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम करने वाला, आपकी प्रॉब्लम चाहे कैसी भी, कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर के लिए कोई काम बड़ा नहीं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।